और एक चीज दिखाता है ठीक है आप लोग तो मधुमक्खी तो बहुत देखा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो क्या मधुमक्खियों ने अपना जो छत्ता बनाने के लिए रस चूस रहे हैं यहाँ पर पानी के नी पूरा भी। हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल चाल आप सभी का, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और खुद के लाइफ में बिजी होंगे मेरी जान। तो फिलहाल मैं आया हूँ जंगल की तरफ, कोई बात नहीं गाइस मैं घूमने के लिए आया था वैसे तो, फिलहाल तो मैं माहौल पीटने के लिए आया था, लेकिन मेरा दिल कह रहा कि मैं जंगल के पास जाऊँ तो मैं आ चुका हूँ फिलहाल जंगल के पास, क्योंकि यहाँ पर देखो पानी है, यहाँ पर थोड़ा पानी है क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर पूजा वगैरह करने के लिए आते थे हर लोग, यहाँ पर मंदिर बन सकता था मेरे हिसाब से, क्योंकि उस पेड़ का तो पूजा होता है। और बिल्कुल जंगल के नीचे हूँ मैं फिलहाल, अभी थोड़ी देर में सीधा जाऊँगा माहौल बैठने के लिए, क्योंकि मैं मेरा दिल हल्का करने के लिए आया था जंगल की तरफ, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है ना, इसलिए आ गया था, क्योंकि यहाँ पर जितनी बर्ड्स है वो कितनी अच्छे से अपना आवाज़ निकालते हैं, देखो सुनो देखो गाइस कितने सारे बर्ड्स जो कि मेरा दिल उनकी तरफ खींच रहे हैं, इसके लिए मैं आ गया था यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर मेरा अपना जो चप्पल है पानी से भीग गया था, इसलिए निकाल दिया हूँ चप्पल और यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे गाइस, अपना टाइम पास भी हो जाएगा, क्योंकि माहौल तो अभी गिरेगा नहीं क्योंकि ठंडी चल रही है अभी, इसी के लिए जितना धूप निकलेगा उतना माहौल गिरेगा, तो कोई बात नहीं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसके बाद जाएंगे सीधा घर। तो गाइस यहाँ पर बता दूँ आप लोग को इतना पानी होता था यहाँ था इस टाइम पे, ठीक है धूप के महीने भी पानी में इतना पानी होता था आपको पूछो मत, क्योंकि अभी देखो गाइस यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें हैं बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पानी सप्लाई हो रहा था, पानी सप्लाई होना भी बंद हो गया, वो ख़राब हो चुका है, एक्चुअली कोई आया बनाया था पानी सप्लाई के लिए वो भी ख़राब हो गया था, ऐसे ऐसे करके गाइस पूरा जो ये ख़राब कर दिया, क्योंकि नहीं इतना पानी होता था यहाँ पर कि आप हर साल यहाँ पर नहा सकते थे, लेकिन नहीं यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही पड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई बात नहीं गाइस देखते होता है ऐसा दिन, क्योंकि मुझे लगता है कि और 20-30 सालों में जंगल भी पूरा ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो गाइस यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद सीधा जाएंगे माहौल बैठने के लिए। और एक चीज़ दिखाता ठीक है आप लोग तो मधुमक्खी तो बहुत देखा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो क्या मधुमक्खियों ने अपना जो छत्ता बनाने के लिए रस चूस रहे हैं यहाँ पर पानी के पूरा बिल्कुल नीचे से, यहाँ पर देख सकते हैं आपको शायद दिख ना रहा होगा क्योंकि पत्थर से जैसा दिख रहा है, मैच हो गया पत्थर जैसा, लेकिन ठीक है दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो गाइस ये देखो काटना, देखो इसकी मैं डर रहा हूँ थोड़ा बहुत, ये तो दिखा देता कैसा दिख रहा है मधुमक्खी, फिलहाल देखो आप सही से देखो यहाँ पर देखो ये देखो गाइस कैसे रोज रस चूस रहा है, ये देखो यहाँ पर देखो गाइस मधुमक्खियाँ गाइस। तो यहाँ पर टाइम जो है अपना स्पेंड हो गया है थोड़ी देर, तो चलो निकालते हैं अपना काम के लिए। देखो भाई ये भी रास्ता बनाया था ठीक है, ये भी पानी सप्लाई के लिए बनाया था, लेकिन ये देखो क्या हाल हो गया है यहाँ का, बिल्कुल ऐसा क्योंकि वट ओवर रास्ता है जो हो चुका है, बस ऐसा कुछ ही रास्ता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा रास्ता था, लेकिन क्या करेगा इंसान थोड़ी रुकता है अपनी ज़िंदगी के लिए, कुछ ना कुछ तो करता रहता है, इसके लिए से ये जो रास्ता यहाँ पर ऐसा हो चुका है देखो, ये तो बहुत ही अच्छा था ये रास्ता पहले, यहाँ पर हर लोग जाना आना करते थे यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं गाइस चलो चलते हैं अपनी माहौल गज की तरफ, हमको बैठना भी है जल्दी निकालना है हमको घर की तरफ, फिलहाल चलो चलते हैं गाइस माहौल बैठने के लिए। तो गाइस अभी अभी जस्ट पहुंचा हूँ घर, क्योंकि हमें ज़्यादा भूख लगी थी, कम से कम सुबह निकले थे आ रहे हैं 9 बजे, तो मैं आप लोगों को टाइम दिखाता रहूँ, शायद फ़ोन होगा मेरे हिसाब से, रुको मैं फ़ोन लेगा टाइम दिखाता हूँ आप लोगों को टाइम क्या हुआ है गाइस, ये देखो टाइम हुआ है 10 बजने वाला, 5 मिनट का मैं 10 बजने वाला है फिलहाल, तो भूख लगी है बहुत क्योंकि मैं प्रॉस फ्रॉस सब कुछ करके आ रहा हूँ अभी जस्ट, तो आप लोग सोचेंगे कि तूने क्या कि नहीं क्यों पता, ये देखो मैंने ड्रॉस फ्रेस करके ही आ रहे हैं हम सीधा उधर से जहाँ मॉल बैठते थे उधर से ही आ रहे हैं ब्रश करके, तो सुना चलो कुछ बनाता है खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ बनाया नहीं है, सब कुछ खाली खाली पड़ा है, तो कुछ तो गाइस
भूख लगी थी तो ये पीठा बना रहे हैं हम लोग, देखो। तो ऐसा बनाया हम लोगों ने पीठा, उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। एक साइड का पूरा पक चुका है और दूसरे साइड का पकना बाकी है, तो इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए वैसे, तो ये हो जाएगा पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से। हा,